हरियाणा में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। हरियाणा में एक बार फिर सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। ज्यादातर एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन नतीजे सामने आए तो बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच कांग्रेस के लिए खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया, क्योंकि सुबह कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल था, लेकिन दोपहर तक माहौल गमगीन हो गया। इस बीच कई ऐसी सीटें थी जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, उनमें से ही एक सीट थी पानीपत की समालखा सीट। इस सीट से बीजेपी के मनमोहन भड़ाना ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी को इस सीट पर 81,000 से ज्यादा वोट मिले। इस सीट पर सपा सांसद इकरा हसन तक प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इकरा ने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र मछरौली के लिए प्रचार किया था। कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं, लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फर्ज है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए मैं उनके चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई, मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। लेकिन कुछ चीजें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं, और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें, और एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। बता दें, रविंद्र मछरौली यहां से एक बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके थे। समालखा सीट पर गुज्जर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसी समुदाय के नेताओं पर दांव लगाया था और बीजेपी ने इस सीट पर बड़ी जीत हासिल कर ली है। समालखा सीट के नतीजों की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के मनमोहन भड़ाना को 81,293 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के धर्म सिंह छुक्कर रहे, जिन्हें 61,978 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर रविंदर मछरौली रहे, जिन्हें 21,132 वोट मिले। रविंदर मछरौली इस बार निर्दलीय ही मैदान में उतरे थे और जीत हासिल करने में नाकाम रहे। बता दें, 2014 में बीजेपी की लहर के दौरान भी समालखा वासियों ने रविंद्र मछरौली को विधायक चुना था, और 2019 में बीजेपी ने दूसरी लहर में कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को अपना विधायक चुना था। 2009 में यहां से धर्म सिंह छोक्कर ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार संजय छोक्कर को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के मनमोहन भड़ाना ने इस सीट से बड़ी जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें, अब तक आए नतीजों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ चली है, कांग्रेस के लिए 40 तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा है।
बना रहे हैं, अब मैंने देखा जलेब भी बांट रहे हैं, जलेब का बड़ा इस इलेक्शन में बड़ा वो रहा। ये इस जलेबी में कांग्रेस फंस गई और राहुल गांधी जी जो है पूरी कांग्रेस को फंसा के चले गए और आज लोग जो है ना जलेबी के रस का मजा ले रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा आपको लगता नहीं, राहुल गांधी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो जब जब भी आते हैं बीजेपी की वोट मांग के जाते हैं, वो जो जहां जहां भी आए हैं वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। आज किस तरह से सेलिब्रेशन करें पूरे हरियाणा में, जहां सीएम राहुल जी आज ये कार्यकर्ताओं की खुशी है। आज एक हरियाणा की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक एक इतिहास रचने का काम किया है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनी है। ये ऐतिहासिक जीत है और आज इसका सब आनंद के साथ खुशी के साथ इस खुशी को आपस में बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बावजूद भी हमने अनेक जो निर्दलीय थे उनको साथ लेकर सरकार चलाने का काम किया। 2019 में भी सभी निर्दलीयों का सम्मान करने का काम किया और अब की बार जो 3 निर्दलीयों का अब तक आया है रुझान और उनको भी साथ लेकर चलेंगे। वो पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला क्या रहता है वो तो पार्टी निर्भर करती है। निर्दलियों का जो साथ आना चाहेगा उसको साथ लेंगे और हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के काम करवाएं और इसलिए हम साथ लेके चलते हैं। ये उनकी कमजोरी है, उनका घमंड है, उनका बड़बोलापन है और कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से चुनाव के समय गुंडागर्दी करने का काम किया है, चुनाव के बाद भी जिस प्रकार से लोगों को धमकियां देने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने व्यवहार में तब्दीली करनी चाहिए।